जब हम कहीं जाते हैं तो उस जगह की विशेषता देखते हैं और फिर उस विशेषता को सिर्फ वहाँ देखना नहीं है, उस विशेषता को फिर क्या करना है, अपने साथ वापस लेकर जाना है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे यहाँ क्या अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे वो जो अच्छा लग रहा है वो अपने साथ वापस लेकर जाना है। तो क्या अच्छा लग रहा है, यहाँ का ऑरा अच्छा लग रहा है, तो वो ऑरा में क्या है जो अच्छा लग रहा है, सेवा भाव अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। और क्या अच्छा लग रहा है, वाइब्रेशन में क्या है, पॉजिटिविटी है, शांति है, अच्छा। और क्या है, हाँ जी क्या है, और मनुष्य की पहचान, ओके। और डिसिप्लिन, और everybody is soft spoken, अच्छा, okay, anything else, अपना खुद का घर लग रहा है, very good, हाँ जी, अपनी पहचान भी मिली, yes, और anything else, selfless सेवा चल रही है, yes। अब अपने घर चलते हैं वापस। कितने लोग एक घर में रह रहे हैं, कितने लोग एक घर में रह रहे हैं, 4, 5, 6, कितनी देर के लिए मिलते हैं रोज, रोज कितनी देर के लिए मिलते हैं, सुबह सुबह तैयार होकर निकल जाते हैं, शाम को या रात को वापस आते हैं, हार्डली डिनर पे मिलते हैं, सोते हैं, अगले दिन सुबह फिर निकल जाते हैं। फिर संडे को जो लोग ऑफिस में मिलते हैं वो सैटरडे संडे नहीं मिलते हैं घर। तो वी कीप गेटिंग अ वेरिएशन कि हम कब किसको कितनी देर मिल रहे हैं। फिर हमें ऑफिस में क्या क्या मिल रहा है, बिजनेस में क्या क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, बहुत कुछ है। यहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ कुछ नहीं मिलता, ना किसी की कभी प्रमोशन हो रही है यहाँ, ना किसी के पास कोई औहदा है यहाँ पे, इनकम तो खैर मिलनी नहीं है। मोटिवेशन क्या है रोज ये सब सेवा करने के लिए, कुछ भी नहीं है। और साधारण काम कर रहे हैं, कोई टेबल कुर्सी रख रहा है तो रोज टेबल कुर्सी रख रहा है, कोई माइक रख रहा है तो माइक रख रहा है, कोई कमरा साफ कर रहा है तो कमरा ही साफ कर रहा है। आप उसको पूछो भैया आप कितने साल से ये सेवा कर रहे हो, कोई कहेगा 30 साल, कोई कहेगा 40 साल, वही कर रहे हैं। नो न्यूनेस, इट्स जस्ट द सेम गोइंग ऑन एंड ऑन। एंड फिर भी हम यहाँ आए हैं और हम कहते हैं वाइब्रेशन ही डिफरेंट है। वहाँ तो हर थोड़े दिन के बाद कहते हैं नया क्या करे, नया क्या करे। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कुछ नहीं है, इकट्ठे इतने 150, 200, 1000 लोग रह रहे हैं, सारा दिन सेवा कर रहे हैं, मिलने वाला भी कुछ नहीं है, और फिर भी शांति है, फिर भी निस्वार्थ भाव है, फिर भी सेवा भाव है, रिश्ते भी नहीं है एक दूसरे के साथ, कोई भी नो फैमिली। और अब हम वापस जाते हैं, 4-6 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, फैमिली फैमिली है फैमिली, फिर भी ये वाली शांति घर पे क्यों नहीं है, वॉट इज मिसिंग। अब हमें ये डिसाइड करना है, क्या हम ये वाली वाइब्रेशन घर लेके जाना चाहते हैं। इतना ठंडा वाला यस तो होना नहीं चाहिए। ये वाला वाइब्रेशन घर लेके जाना चाहते हैं, गुड। ये वाला वाइब्रेशन वर्क प्लेस पे लेके जाना चाहते हैं, हो सकता है। फिर ठंडा हो गया, देखा। हम यहाँ क्यों आते हैं, ये सारे जो सेशंस चल रहे हैं, ये सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये सारे वहाँ हो सकते थे, सिर्फ वहाँ एक चीज़ नहीं हो सकती थी, आपको ये प्रैक्टिकल मॉडल देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ आप थ्योरी सुनेंगे कि पीसफुल लाइफ हो सकती है, यूनिटी हो सकती है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सेवा भाव, थ्योरी। एंड जब थ्योरी हम सुनते हैं तो कई बार लगता है नहीं ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल कैसे होगा। ये है यहाँ आना, मतलब एक प्रैक्टिकल मॉडल देखना, जो कि 4 दिन 6 दिन का मॉडल नहीं है, जो कि 80 ईयर्स से मॉडल चल रहा है और हम वहाँ यहाँ रह रहे हैं और हम देख रहे हैं ये वाइब्रेशन कैसे बनती है, इस कैंपस की वाइब्रेशन कैसे बनी होगी, कैसे बनेगी। 1990s में ये पूरा कैंपस सिर्फ एक बैरन लैंड था। इट वॉज डिक्लेयर्ड बैरन लैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इसीलिए ये बहुत कम रेट में मिल गया क्योंकि इस पर कुछ नहीं हो सकता था। आज स्वर्ग बना हुआ है और जब ये बन गया तो उसी गवर्नमेंट ने फिर इसको अवार्ड भी दिया क्योंकि बैरन लैंड पे आज देखो क्या क्या बन गया है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे जहाँ आप रह भी रहे हैं कहीं ऊंचा है फिर कहीं नीचा है क्योंकि उसकी टेरेन को नहीं बिगाड़ा गया, वो जैसे था पत्थर ऊपर नीचे पहाड़ उसी पे बन गया। जहाँ कुछ नहीं उग सकता था वहाँ आज सारे फूल सब्जी सब उग रही है। ये सब किस कौन सी पावर से हुआ, ये सब कौन सी पावर से हुआ। तो जब इतना कुछ हो सकता है तो आपको नहीं लगता कि हमारे घर में शांति आ सकती है? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। आपको नहीं लगता हम अपने वर्क प्लेस को भी इतना पीसफुल बना सकते हैं ताकि रोज़ जो आए काम करने उसको सुबह से शाम तक वहाँ रह कर कैसा लगे वैसा ही लगे जैसा आपको आज यहाँ रह कर लग रहा है। That should be business and industry. Means wherever we are, whatever is our workplace, whoever is coming to work there, सुबह से शाम तक उसको ऐसा वाइब्रेशन मिले, उसको लगे ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए है, मैं इनके लिए हूँ। ऐसा नहीं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मिला तो मैंने इसको छोड़ा और कहीं और चले गए। तो ये वाइब्रेशन घर पे क्रिएट करने के लिए और ये वाइब्रेशन वर्क प्लेस पे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा? अब आपको ये सोचेगा हाँ मैं तो रेडी हूँ, लेकिन वो जिनको मैं घर पे छोड़ के आया हूँ पीछे और वो ऑफिस में तो जो जो लोग हैं, मतलब मेरे एक से थोड़ी स्वर्ग बनेगा कोई। स्वर्ग बनाने के लिए तो मुझे सारे ही कैसे चाहिए, एक जैसे चाहिए। दैट इज़ द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्ट विच हैज़ टू बी क्लियर्ड। स्वर्ग बनाने के लिए एक ही चाहिए होता है, एक चाहिए। दिवाली पे एक दिया पहले जलता है और फिर एक दिए से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, फिर तीसरे से चौथा, तब वो दिवाली बन जाती है, तो वो माला बन जाती है। शुरू एक से ही होगा। तो अब हमें यहाँ से डिसाइड करना है क्या मैं वो एक बनने के लिए रेडी हूँ जो अपने घर में ऐसा वाइब्रेशन और अपने वर्क प्लेस पे ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करना है। आप रेडी हैं? रेडी है। सपोज हमने एक ऐसा वाइब्रेशन अपने घर पे क्रिएट किया, उस घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हैप्पीनेस तो मिलेगी, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी और वो है पावर, शक्ति। आज हम अपने परिवार को, हम अपने बच्चों को सारे कंफर्ट्स दे रहे हैं लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है कि वो जीवन में आने वाली सिचुएशंस को फेस कर सके। छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज वी हैव क्रिएटेड वेरी कंफर्टेबल हाउसेज बट वी हैव नॉट क्रिएटेड हाई एनर्जी स्पेसेस इन द हाउस। एंड फिर रिजल्ट क्या हुआ, हमारे बच्चों की जीवन कंफर्टेबल तो बहुत हो गई, एजुकेशन भी बेस्ट हो गई, डाइट भी बेस्ट मिल रही है, लेकिन यहाँ की शक्ति घटी हुई है। तो जीवन में जब भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आता है, यहाँ ऊपर नीचे आता है, और जब बच्चों के जीवन में ऊपर नीचे होता है तो पेरेंट तो वैसे ही हिल जाता है और जब पेरेंट हिल जाता है तो बच्चे और हिल जाते हैं और फिर हमारे घर की वाइब्रेशन क्या हो जाती है, फिर हमारे घर की वाइब्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब जिस जगह में हम बैठे हैं इट इज़ अ हाई एनर्जी स्पेस, लेकिन ये हाई एनर्जी स्पेस बनती कैसे है? ये भी तो एक मकान है, इसको भी तो कंस्ट्रक्ट किया, फिर इसमें रहने आए, ये हाई एनर्जी स्पेस बनती कैसे है? कैसे बनेगी, कैसे बनेगी हाई एनर्जी स्पेस? अच्छा, इस जगह की एनर्जी में और हमारे घर की एनर्जी में क्या फ़र्क है? क्यों हमारा घर इतना हाई एनर्जी नहीं है? कौन सी चीज़ है वहाँ पे घर पे जो हमें हटानी है? मोबाइल को क्या करना है? मोबाइल को हटा दे रहे घर से। अच्छा अच्छा, चिड़चिड़ापन कम करना है। वेरी गुड। 1, इरिटेशन। इरिटेशन, कोई भी बात में ऐसे खींच खींच के बोलना, छोटी छोटी बात में ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों, छोटी छोटी बातें सारा दिन एनर्जी को डाउन करती है। जीवन में बड़ी बड़ी बातें बहुत कम आती हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें रोज आती हैं। संस्कार बड़ी बड़ी बातों में नहीं बनता, संस्कार छोटी छोटी बातों में बनता है, क्योंकि संस्कार मीन्स व्हेन वी रिपीट अ सर्टेन वे ऑफ बीइंग। अगर आज इरिटेट होके बोला, फिर कल बोला, फिर परसों बोला, 10 दिन बोल दिया, 11वें दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, संस्कार बन गया है। छोटी छोटी बातें रोज। तो इरिटेट, चिढ़ के नहीं बात करनी। एनीथिंग एल्स? हाँ, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना है, जो बीत गया और जो होने वाला है। ओके, 1 मोर। एनीथिंग एल्स? रिस्पेक्ट ईच अदर। हाँ, आपस का ईगो। पहली बात ये ध्यान रखना, उनके बारे में नहीं सोचना है जो यहाँ नहीं बैठे हैं। वो दूसरों के दिख रहे होंगे, उनको ये निकाल देना चाहिए, उनको ये हटा देना चाहिए, उनको ये, वो उनको नहीं याद करना है इस टाइम यहाँ पे। वो नहीं आए रिट्रीट के लिए। दूसरों को चेंज करना, दूसरे चेंज हो जाएं, हमें लगता है वो चेंज हो जाएंगे तो सब कुछ। वो भी ऐसा ही सोचते हैं हमारे बारे में, वो भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि ये चेंज हो जाए तो हमारा घर स्वर्ग हो जाए। एवरीबडी वांट्स अदर पीपल टू चेंज, एवरीबडी वांट्स अदर पीपल टू चेंज, क्योंकि हम चाहते हैं लोग कैसे हो, लोग कैसे हो, हमारे जैसे हो। आज सुबह का जो सेशन था उससे लोगों को समझना बहुत ईजी हो जाता है। क्या सुना हमने आज? ये शरीर है, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। हम सारा दिन घर पे ये बेसिक नॉलेज यूज़ नहीं करते हैं। हम कहते हैं बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी। रोल्स के हिसाब से रिश्ते देखते हैं, फिर पति है, पत्नी है तो ऐसे होने चाहिए, बेटा है तो ऐसा होना चाहिए। वो रोल्स नहीं है, वो सोल है, वो सोल है। और वो सोल बड़ी लंबी जर्नी पर आ रही है। वो सोल आज हमारे घर में है, उससे पहले वो सोल कहाँ थे? उससे पहले वो सोल कहाँ थे? अभी हम यहाँ बैठे हैं। चलो, हर एक अपने ऊपर यहाँ हाथ रखो। यहाँ पे हियर इज हु आई एम, हियर इन दिस बॉडी। I am not this body, I am here, the energy जो सोचती है, फील करती है, डिसाइड करती है, कर्म करती है, संस्कार बनते हैं। I am here, I am in this body since how long? कितने सालों से आप इस शरीर में? 30, 40, 50 साल से मैं इस शरीर में हूँ। ये इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? दूसरी बॉडी में। दूसरी बॉडी में लेट्स से हम 100 साल रहे। अब वो दूसरी बॉडी कहाँ थी? मालूम नहीं। वो दूसरी बॉडी के पेरेंट्स कौन थे? कोई और थे, शहर कोई और था, परिस्थितियाँ कोई और थी, हो सकता है देश कोई और था, कल्चर कोई और था, सिचुएशंस कोई और थी। तो उस समय मुझ आत्मा पे जो संस्कार बने होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट। उससे पहले मैं आत्मा कहाँ थी? एक और बॉडी में। उस बॉडी के पेरेंट्स कोई और थे, देश कोई और था, शहर। कैन यू सी एवरी सोल कम्स ऑन सच अ लॉन्ग जर्नी? 100 years in this costume, उससे पहले 100 years in another costume, उससे पहले 100 years in another costume. लंबी जर्नी पर चल रहे हैं. हर कॉस्ट्यूम में अलग अलग संस्कार यहाँ रिकॉर्ड हुए. अब आपके घर में जितने लोग हैं, सपोज 4, वो चारों अलग अलग बड़ी लंबी जर्नी से आए हैं. आज वो चारों एक ही घर के अंदर हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो चारों अलग कल्चर, अलग संस्कृति, अलग संस्कार, अलग परिस्थितियां, अलग पेरेंट्स, अलग सोच, अलग नजरिया. लंबी 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 जर्नी करते 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 आज वो 4 इस घर के अंदर हैं. क्या वो 4 एक जैसे हो सकते हैं? क्या वो 4 एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते. कई बार वो 4 बिल्कुल अलग अलग होते हैं. 4 में से राइट कौन है? 4 में से राइट कौन है? आपके घर में हो सकता है एक जना हो जो हर एक पे आंख बंद करके विश्वास करता जाए, एक जना हो सही सही में भी शक करता जाए सारा दिन, ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं. अब एक बिल्कुल विश्वास करता है, एक शक करता रहता है, एक होगा जो कहीं भी जाना हो 15 मिनट पहले तैयार होके बैठ जाएगा, हमको टाइम से पहले जाना है. दूसरा होगा प्यार से हमेशा लेट होगा, जाते हैं ना इतनी जल्दी क्या करना है, है ना? अपने घर में ही है ना ये सारे लोग. एक होगा जो हर चीज परफेक्ट 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 रखा, एक होगा जहाँ आया वहीं फेंकता जाएगा चारों. अब ये सब लोग डिफरेंट हैं, लेकिन ये इकट्ठे एक घर में रहते हैं. इनमें से राइट कौन है? शक करने वाला राइट है या विश्वास करने वाला राइट है? ऐसे कैसे दोनों कैसे राइट हो गए? दोनों भी राइट हो गए. हाँ, टाइम पे जाने वाला राइट है या लेट जाने वाला राइट है? सच बोलने वाला राइट है जो हर छोटी छोटी बात में झूठ बोल दे वो राइट है. जो बात जैसी है वैसे बोलने वाला राइट है या घुमा फिरा के ऐसे वैसे करने वाला राइट है? कौन राइट है? घर पे होता ये है कि ये इनको रॉन्ग बोलते हैं और ये इनको रॉन्ग बोलते हैं. जो शक करता है वो दूसरे को बोलता है जब देखो हर एक पर विश्वास करते रहते, हमारे घर को डुबा देगा इसका विश्वास, ये है बोलते हैं, नहीं बोलते ऐसी चीजें. दूसरा कहता है कोई कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी तरफ से तो शक के अलावा और कुछ मिलने ही नहीं वाला है, मेरी जीवन तुम्हारे साथ ऐसे ही कटने वाली है, पता नहीं कौन से कर्म मैंने किए. ये एक एक लाइन, एक एक सोच, एक एक वर्ड हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं यू आर रॉन्ग, आई एम राइट. द अदर पर्सन इज सेइंग यू आर रॉन्ग, आई एम राइट. एंड फिर हम एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं? रिजेक्शन और डिसरिस्पेक्ट, रिजेक्शन और डिसरिस्पेक्ट. पर परिवार है तो हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है उनके लिए, तो फिर हम कहते हैं आप थोड़ा चेंज हो जाओ, आप ऐसे नहीं ऐसे करो. सामने वाला कहते हैं आप ही हो जाओ थोड़ा सा, आप ऐसे की जगह ऐसे कर लो. अब जो शक करता है वो दूसरे को कहता है इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम थोड़ा चेंज हो जाओ. जो विश्वास करता है वो दूसरे को कहता है तुम थोड़ा चेंज हो जाओ. देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग कि एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश. Sometimes some people change, sometimes some don't change. Lekin journey continues of trying to change other people because we believe हम right हैं और वो wrong है. ये एक fundamental चीज़ हमारी रिश्तों में गांठें लेकर आती है. और ये सिर्फ घर पे नहीं होता, फिर ये ऑफिस पर भी होता है. हम में से किस किस के बच्चे हैं? अच्छा, एक से ज्यादा हैं. ओके, किसके पास दो आइडेंटिकल बच्चे दिखने में नहीं, पर्सनालिटी वाइज आइडेंटिकल मिले हो, संस्कार बिल्कुल एक जैसे, आइडेंटिकल नहीं। किसके पास बच्चे हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल हैं? नहीं, एक भी हाथ नहीं उठा। नाउ थिंक, जब मेरा बच्चा जो पहले क्षण से मेरे संग में है वो मेरे जैसा नहीं हो सकता, तो फिर मेरे वर्क प्लेस पे कोई भी मेरे जैसा नहीं हो सकता है। देन टू से यू शुड बी सिंसियर लाइक मी, यू शुड बी ऑनेस्ट लाइक मी, यू शुड थिंक लाइक मी, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे और हम मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करेंगे, पहला शिफ्ट जो अंदर आएगा, हम लोगों को रिश्ते, पोजीशन और रोल की लेबल से नहीं देखेंगे। हम किस नज़रिए से देखेंगे? ये कौन है, कौन है? प्योर सोल, सिर्फ आत्मा भी नहीं, प्योर सोल। हर एक को उस नज़रिए से देखो, मेरा प्योर सोल है। बाकी जो संस्कार बने हैं वो इस जर्नी पर लगे हुए छोटे छोटे, जैसे हम सब सुबह वाइट ड्रेस पहनते हैं, तो सुबह सबकी वाइट एक जैसी वाइट होती है, लेकिन सारा दिन में हर एक का रोल अलग, हर एक की सेवा अलग, हर एक का वातावरण अलग, तो शाम तक पहुंचते पहुंचते सबकी वाइट मैली हो जाती है, लेकिन मैली अलग अलग होती है। जो किचन में होगा उसके दाग अलग होंगे, जो कारपेंट्री में होगा उसके दाग अलग होंगे, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा उसके दाग अलग होंगे। जब वो शाम को मिलेंगे तो कहेंगे तुम्हारा ब्राउन दाग कैसे, ये तो रॉन्ग है। सामने वाला कहेगा तुम्हारा ये अचार का रंग, ये तो रॉन्ग है। क्योंकि हम दाग को देख रहे हैं एक दूसरे के। मेडिटेशन मीन्स वो दाग को नहीं देखना, ओरिजिनल कलर को देखना कि है तो वाइट ड्रेस, ये तो सिर्फ लगा हुआ ऊपर से दाग है जो इस जर्नी में लग गया। तो रिस्पेक्ट फॉर द सोल, कि ईच वन इज अ वेरी प्योर डिवाइन सोल। रोल के हिसाब से नहीं किसी के बारे में सोचना या बात करना।